श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। युवा सहयोग दल के द्वारा पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। देखिए, उन मूर्खों को यह सोचना चाहिए, समर्थन में निकले हैं और निपुण शर्मा के द्वारा जो बयान दिया गया है वो गलत नहीं है। हम लोग की प्राथमिकता ये है कि हम लोग को हिंदू को जागृत करना है। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बताएंगे, उनके जो खून में ही बसा है दगाबाजी करना, पीठ पीछे छुरा भोंकना, चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो अकबर किया हो, बीरबल किया हो, हुमायूं किया हो, जो भी किया हो, नूपुर शर्मा ने वही बात बोला है जो जाकिर नाइक बोले हैं, जो उनके किताबों में लिखा है। नूपुर शर्मा ने कोई अपने मनगढ़ंत बात नहीं बोली है। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24/7। वो नूपुर शर्मा के समर्थन में आज युवा सहयोग दल के द्वारा पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। इसलिए आयोजन किया है कि वही नूपुर शर्मा है जो आज पूरे विदेशों में 57 देशों में इनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा, आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? हमारा देश 57 देश और अरबियन कंट्री को इस कोरोना काल में इतना बचाया, लेकिन वही 57 अरबियन देश आज हमारे विरोध में खड़ा है। देखिए, उन मूर्खों को यह सोचना चाहिए कि जिस भारत ने जब उनके ऊपर कोरोना काल में जब दिक्कत हुआ था, भारत ने 7 दिन में उनका हेल्प करके सुविधा सारा सुविधा पहुंचाया था, लेकिन वो गद्दार लोग बोला था कि इस भारत के इस मदद को हम कभी नहीं भूल सकते, जीवन भर ये एहसान को हम नहीं चुका सकते, लेकिन ये गद्दार सब इतना ही महीनों में भारत के इस मदद को भूल गया सब। आपको बता दें कि हम लोग किसी के विरोध में नहीं निकले हैं, बस निपुण शर्मा के समर्थन में निकले हैं और निपुण शर्मा के द्वारा जो बयान दिया गया है वो गलत नहीं है, सही है। अगर कोई भी निपुण शर्मा के बयान को गलत साबित कर देगा, निपुण शर्मा अपना बयान वापस ले लेगी। चलिए, आप लोगों ने सुना, इनका कहना है कि अगर नूपुर शर्मा के बयान को जो कोई भी गलत साबित कर देगा, उस दिन नूपुर शर्मा अपना बयान वापस ले लेगी और अपने आप को गुनाहगार साबित कर देगी। जैसे नूपुर शर्मा के विरोध में 57 देशों में उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं हमारे देश में उनके हमारे देश में ही नहीं, हमारे नेबर कंट्रियों में भी उनका समर्थन किया जा रहा है। देखिए, हम लोग की प्राथमिकता ये है कि हम लोग को हिंदू को जागृत करना है। हम लोग की यही प्रार्थना है कि हम लोग हिंदू समाज को एक नया दिशा दिखाएं। देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बताएंगे, उनके जो खून में ही बसा है दगाबाजी करना, पीठ पीछे छुरा भोंकना, चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो अकबर किया हो, बीरबल किया हो, हुमायूं किया हो, जो भी किया हो, खैर वो इतिहास की बातें हैं, हम इतिहास की बातें नहीं करेंगे। आपने 56 देश को बताया कि भारत ने मदद किया, भारत ने उन लोगों को सहयोग किया, लेकिन आज जो है वो लोग भारत के विपक्ष में खड़ा है, जबकि नूपुर शर्मा ने वही बात बोला है जो जाकिर नाइक बोले हैं, जो उनके किताबों में लिखा है। नूपुर शर्मा ने कोई अपने मनगढ़ंत बात नहीं बोली है, कोई अपने से बना के नहीं लिखी है या उसको प्रस्तुत नहीं किया अपने मन से बोल के, जो उसमें लिखा है वही बात बोली है। तो अगर लगा है गलत है तो उसके लिए कानून है, संविधान है, लेकिन भारत में रह के भारत के खाने वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं, भारत में उतर के कश्मीर बना दिया गया है भारत को, जहाँ मन कर रहा है वहाँ पत्थरबाजी करने लगे, तो हम हिंदू चूड़ी थोड़े ना पाने हैं, बिल्कुल होना पड़ेगा, हिंदू अब एकजुट हो गए हैं। ये तो देखिए, आज जो है ये ट्रेलर दिखाया गया है, आपको फिल्म देखने को मिलेगा रविवार को, देखिएगा। बुलाया नहीं गया है, अपने ते आया है, कोई के बुलाया नहीं गया है, ना भी इतना हिंदू भाई है, कोई के बुलाया नहीं गया, अपने ते आया है। इसमें जितना एक दूसरा भाई दिख रहा है, किसी के पास ना फोन किया गया है ना कॉल किया गया है, सिर्फ एक न्यूज चैनल के माध्यम पे देखा गया, पोस्ट डाला गया उस पे कि मंगलवार को शाम को 4 बजे नूपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकाली जाएगी, सारे हिंदू भाई इकट्ठा हुए, हिंदू भाई यहाँ पहुंचे, इसे साफ साबित होता है कि हिंदू अब जाति में नहीं बटा है, हिंदू अब जाति से ऊपर उठ के अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए लड़ने के लिए सक्षम खड़ा हो गया। चलिए, इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मित्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24/7। रक्सौल, जय हिंद।